दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, मैं जैसे अपने फ़ोन को यहाँ पे लॉक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपके जो है मेरे फ़ोन में स्क्रीन में आपको यहाँ पे एक इमोजी दिख रहा है, जो कि आप भी अपने फ़ोन में जो है सेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे फ़ोन को यहाँ पे अनलॉक किया, मैं अपने फ़ोन को यहाँ पे लॉक कर रहा हूँ, देख सकते हैं। लॉक करने के बाद ही थोड़ी देर बाद यहाँ पे आपको इमोजी एंड यहाँ पे क्लॉक आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये कैसे आपको फ़ोन में जो है सेट करना है पूरा मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ, और बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है कि ये है क्या। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये जो फ़ीचर है AOD का फ़ीचर है, जो कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, ये यहाँ पर ये जो आईफोन में फ़ीचर ये जो है इस टाइम दिया जा रहा है, जो कि पहले नहीं था। तो ये सैमसंग का फ़ीचर है AOD, जो पहले से ही है आपके फ़ोन के अंदर, जो अगर आप सैमसंग का फ़ोन यूज़ करते हैं। तो इसको कैसे यूज़ करना है, सिंपली आपको होम पे प्रेस करके रखे रहना है। प्रेस करके रखने के आपको आना है थीम वाले ऑप्शन में। आने के बाद यहाँ पे देखेंगे, नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे चौथे नंबर पे AOD का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिला है, यहाँ पे AOD का। तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे आपको इमोजी देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको कुछ परचेज भी करने रहता है, कुछ फ्री भी रहता है। तो आपको सिंपली आपको फ्री यहाँ पे ढूंढने के लिए आपको जाना है टॉप पे क्लिक करना है। टॉप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आल देखना है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं तीन ऑप्शन देखने को मिल रहा है, एक तो पहले से ऑल है, और उसके बाद पैड है, फ्री है। तो आपको फ्री वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। फ्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको बहुत सारे यहाँ पे इमोजी देखने को मिल जाएंगे। तो इसी में से मैं एक इमोजी जो डाउनलोड किया हूँ, जो कि मैं आपको स्क्रीन पे लगाया था, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला इमोजी। इसको इस नाम से अगर सर्च करेंगे तो ये इमोजी जो है आपको भी देखने को मिल जाएंगे। इसका नाम है किम किम स्माइल सेल्फी वॉलपेपर। यहाँ पे जो है AOD है, देख सकते हैं रीअप्लाई दे रहा है नीचे, तो मैं इसे अप्लाई कर लिया हूँ, इसीलिए रीअप्लाई दे रहा है। तो मैं आपको अभी जो है दूसरा डाउनलोड करके सेट करके दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एक ये वाला इमोजी है, तो इसको मैं यहाँ पे अभी डाउनलोड कर रहा हूँ आपके सामने, देख सकते हैं मैं इसे जो है डाउनलोड कर रहा हूँ, काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। तो इसे मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, यहाँ पे डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे डाउनलोड भी हो चुका। तो सिंपली डाउनलोड करने के बाद आप इसे जो है अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे आपको नीचे दे रहा है दो ऑप्शन, इमेज ओनली, क्लॉक एंड इमेज। तो आपको क्लॉक एंड इमेज कर लेना है, ताकि आपका जो है टाइम भी आपको पता चलता रहे कि आपका फ़ोन लॉक रहेगा, तो आप तभी आप यहाँ पे टाइम भी शो होगा। तो क्लॉक एंड इमेज पे करके आपको डन पे कर देना है। डन पे क्लिक करते देख सकते हैं, आप देख सकते हैं आपके फ़ोन में जो है अप्लाई हो चुका है। जैसे मैं यहाँ पे फ़ोन को लॉक करूँगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फीचर, जो कि मैं डाउनलोड करके लगाया हूँ। तो आप भी इस तरह अपने फीचर को यूज़ कर सकते हैं। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।